अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉशनल लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और अपने अपने लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख चुके कि मैं आज बहुत ज़्यादा तैयार हुई हूँ और मैंने ये जो है पहली बार इस टाइप का हिजाब लिया है। तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि हिजाब मुझे किस तरह से अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने कहा था कि दीदी आप मतलब अच्छे से हिजाब कैरी कीजिए, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा हिजाब के कलर्स नहीं थे, तो इसलिए फिर मैंने अभी हर शेड में ये हिजाब लेकर आया है। और इंशाल्लाह मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बहुत अच्छे से हिजाब कैरी करूं। और आप भी सब दुआ कीजिए कि मैं भी मतलब एक अच्छे से हिजाब। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉश किचन लाइफ। कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छे से। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख ही सकते हैं कि मैं बहुत अच्छे से तैयार हुई हूँ। तो एक्चुअली में आज मुझे अदैन के स्कूल में जाना है। उसको मैंने स्कूल में छोड़ दिया है बस में, लेकिन पेरेंट्स को 4 बजे बुलाया है। और सब पेरेंट्स को नहीं बुलाया क्योंकि उसका PTI पहले सैटरडे को था, लेकिन वो कैंसिल करके अब इस सैटरडे को रखा है। लेकिन आज बुलाया है क्योंकि स्कूल में जो है ना रामलीला मतलब लोग बनाने वाले हैं, रामलीला का फंक्शन करने वाले हैं, तो जिसमें उन्होंने अध्ययन को भी सेलेक्ट किया है। तो टोटल 25 बच्चे हैं जिसमें से उन्होंने अध्ययन को सेलेक्ट किया है, क्योंकि अध्ययन थोड़ी बहुत एक्टिंग अच्छे से कर लेता है। तो उन्होंने पहले मतलब रिहर्सल करवाई 2-4 दिन, और फिर उसके बाद में उसमें से 25 बच्चे उन्होंने निकाले। तो उसमें अध्ययन का भी नाम आया है। तो फिर आज बुलाया है क्या, कैसे क्या करना है, पेरेंट्स का क्या रोल रहेगा, पेरेंट्स को किस तरह से बच्चों को मतलब तैयार कराना है। अगर मैं कंफर्टेबल रहूँगी तो इंशाल्लाह मैं उसको ज़रूर करवाऊँगी। अगर अदरवाइज अगर वो डेली अगर पेरेंट्स को बुलाएंगे तो मुझसे पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि 2 स्टेशन है, मैं घनसोली में रहती हूँ और अध्ययन के स्कूल एरोली में, तो मुझसे डेली जाना पॉसिबल नहीं होगा। अगर वो डेली नहीं बुलाते, वो खुद ही मतलब रिहर्सल करा देंगे तो अच्छा है, तो फिर मैं शायद से उसको करवा दूँगी। तो अभी मुझे जाकर ही पता चलेगा। और दूसरा, आज मुझे खाना बनाने को भी छुट्टी थी, क्योंकि नीचे मेरे फ्रेंड्स के घर पे उन्होंने जो है पूरनपुरी के लिए खाने के लिए बुलाया, क्योंकि मुझे और मेरे हस्बैंड को पूरनपुरी बहुत पसंद है, तो उनको बहुत अच्छे से बनाने आती है, तो इसलिए उन्होंने हमको घर पे खाने के लिए बुलाया। तो मैं अभी पहले नीचे जाऊंगी, खाना खाऊंगी और उसके बाद में फिर अध्ययन के स्कूल में जाऊंगी, क्योंकि 4 बजे बुलाया है। तो जब तक हमारा खाना हो जाएगा, अभी 1:30 बज रहा है, तो पहले मैं नीचे जाती हूँ, खाना खाती हूँ, जब तक फिर उसके बाद में जाऊंगी, जब तक शायद से बारिश भी रुक जाएंगी, क्योंकि मुझे स्कूटी पर जाना है और थोड़ी बारिश भी आ रही है, और अध्ययन के छूटने से पहले मुझे जब पहुँचना होगा। तो चलो फ्रेंड्स, और ये मैंने नया हिजाब लिया है, कैसा लग रहा है मुझ पर ये मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने पहली बार इस टाइप का कुछ हिजाब कैरी किया है। मैंने ये बहुत सारे शेड्स में भी लेकर आया है, तो वो इंशाल्लाह मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, जो मैंने जितने भी हिजाब के कलर लेकर आए हैं। तो अभी मेरा जो घर का काम है वो भी दीदी सब करके चले गई है, और मैंने भी थोड़ा सा मतलब जो मेरा वार्डरोब है वो क्लीन किया है, आधा क्लीन हुआ है, आधा मैं इंशाल्लाह कल या तो फिर शाम में करूँगी। तो चलो मैं भी चलती हूँ, फिर आपको थोड़े टाइम से मिलूँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर देखिए, मैंने आपसे बताया था ना कि मैंने वार्डरोब क्लीन किया है, तो ये इतने सारे कपड़े मैंने मेरे और अध्ययन के निकाले जो अभी हम लोग नहीं पहनने वाले हैं, और सब अच्छे खासे अच्छे हैं, मतलब सब अच्छे हैं, मैंने 1-2 टाइम ही पहने हैं। और ये ऐसे कपड़े हैं कि मैं घर में भी नहीं पहन सकती हूँ, क्योंकि इतने हेवी ड्रेस मुझसे घर में नहीं पहने जाएंगे। तो इंशाल्लाह मैं ये किसी को दे दूँगी जो इसे मतलब पहनना चाहेगा। तो चलो, और यहाँ पर देखिए मेरा, एक मेरा मैं लाइट लगाती हूँ। तो देखिए पूरा किचन वगैरह भी क्लीन हो गया है, तो सब अच्छे से क्लीन हुआ है। अभी मुझे कुछ काम नहीं है, बाकी का ये जो बर्तन वगैरह है वो मैं आकर मतलब ट्रॉली में लगाऊंगी। और मुझे याद ही नहीं था कि आज मुझे नीचे बुलाया है खाने के लिए, तो मैंने आज लंच के लिए इतनी सारी सब्ज़ी लेकर आई थी कि मैं बनाऊँगी, तो खैर मैं ये शाम में बनाऊँगी या तो फिर कल। तो चलो पहले मैं, तो आज मेरा घर एकदम क्लीन है, कि मैंने सुबह से थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी और जाना था, तो इसलिए मैंने आप सबके जाना था बाहर, इसलिए मैं फटाफट से सारा काम किया, आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। तो चलो अभी मैं नीचे जाती हूँ, अगर नीचे पॉसिबल हो तो मैं ज़रूर आपसे। तो फ्रेंड्स, अगर नीचे अगर सब कंफर्टेबल रहे तो मैं वहाँ का वीडियो ज़रूर आपको मतलब शेयर करूँगी, और अध्ययन के स्कूल का भी वीडियो पता नहीं वहाँ पर भी मुझे शूट करने मिलेगा कि नहीं, लेकिन अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ज़रूर शूट करूँगी और आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो फिर मैं अभी निकलती हूँ, काफ़ी लेट हो रहा है, 2:45, तो मुझे जल्दी से जाकर स्कूल से भी आना है, क्योंकि अध्ययन के छूटने से पहले मुझे वहाँ पर पहुँचना होगा, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं स्कूल पहुँच जाऊँगी और अध्ययन बस में बैठ जाएगा और घर पर आ जाएगा, तो फिर उसको लेने के लिए भी कोई नहीं रहेगा, तो वो टाइमिंग फिर मुझे वहाँ पर पहुँचना है। तो चलो फिर मैं भी आपको बाद में मिलती हूँ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
मी बताती नाही सिखाती नाही साडी शेवटचे दोन यांना ते करायला. अरे झालं एवढं काय टेन्शन घेते मस्करी करतोय. और साथ में भजिया और अमटी थी तो वो भी उन लोग ने खुद ही बना लिए थे क्योंकि मुझे अमटी भी नहीं आती बनाने और भजिए का मैंने कहा था लेकिन अध्ययन की स्कूल का जो टाइमिंग था उसी टाइमिंग पे उन लोग बना रहे थे तो इसलिए फिर मुझे थोड़ा सा भी हेल्प करने को नहीं हुआ. लेकिन इतना अच्छा था कि मैं थोड़ी जल्दी आ गई. ऐसा नहीं कि मैं लेट हो गई, मैं बराबर से टाइम पर आ गई लेकिन उनका सारा काम जब तक फिनिश हो चुका था. अरे बटाटे का पराठा चांगला होतो पण हे जे है ना याचा काट राहतो. मैंने कभी ट्राई नहीं मैंने किया है मैंने किया पर मेरा काट रह जाता है जो है ना. ये दोन टुकड़ मुझे तो वो ऐसे लग रहे जैसे वो पेड़े होते ना ऐसे लग रहे वो पेड़ नहीं ऐसा वाला पूरन पहले बार देखा मैंने पूरन पेड़ा जैसा ही लग रहा देख ना. अभी नया खिलाड़ी उतरा है. इधर देखो इधर 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 अरे इसमें अच्छा ही लगते अरे जोखर जैसा बन के पैंट एक टी शर्ट एक. मैं अभी सोची हूँ सुबह सुबह तैयार होने का और अच्छे से डेली ब्लॉगिंग कर. मैं सुबह से तैयार है ना. अरे मेरे को तो पता याद भी नहीं था मैं पहले वीडियो के लिए तैयार थी. बस 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 झटका लागेल तव्याचा साईड नाही पुरण एवढं घे ना आणखी एवढं मोदक बनवायचं बरोबर अजून घे असं ते हे जे असतात ना हे असं दाम हे पुरण असतं ना हे पसरवायचं आणि त्याच्यासोबत हे काट दाबायचं असतं ते काट येत नाही सी लाईक दिस. अब मेन वो तवे पे क्या होगा ना उसका वो दिखाना है मुझे इसलिए मैं रुकी हूँ. तवे पे क्या होगा उसका वो दिखाना है मुझे. इतने डर डर के काम हो रहे हैं. हाइट है ना नीली नहीं हुआ रे कुछ परफेक्ट वेल डन सही किया. नहीं उसके भी फट रही थी उसके भी फटी थी. ऐसा नहीं जैसे अपन चपाती फटने के बाद कैसे ज्वाइन करते वैसा. बस आता राहू दे आता सोडते लागते. एक मैं भी करूंगी. ये दो रखा है तेरे लिए दो रखा पता नहीं इसके तू भी अच्छे आ गए मेरी पता नहीं. खाएगी पेड़ा खा रही नोशी ना वैसे लग रहा है खा ले फिर. एक बचने वाला है एक खा सकती है है ना एक बचने वाला है वैसे. बस 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 साइड रखिए दूसरा देखिए ना इधर चटका लगेगा हाथ को बस और ले और ले उतना ही ले इतना और ले मेरे आदमी आदमी आएगा तो देंगे इसके आदमी को मदद लो को लाती ना साइड साइड में लाती ये अच्छी बिकनी क्या साइड में लाटना साइड में नहीं लाटा तुम मदद लाटते नहीं मार मार पकड़ मार तू मार ले शिवाय नहीं शिकना ये निकालती थी पहले ये
मौसी बोल रहा है ना, मैं नौशी सुन रही हूँ। हो गया ना? हाँ बस हो गया, डाल अभी। हाँ अरे उल्टी पहले नहीं बोलने वहाँ कभी पण पोळी आपण काही बाहेर मी रोटी चा चपाती दाल असे नम्रता तुझे पोळे गेले का ग बाहेर ए मैंने बनाई बनाई नहीं ज्यादा खुशी हो रही है। ये कौन आया? क्या पता मैंने पहचानती इस लड़की को। मैं जानती हूँ, ये हमारी बिल्डिंग की नहीं है। तू बनवतेस पोळी? पुरणपोळी बनवतेस तू? येते ना, आम्ही शिकलो आज। इथे ट्रायल चाललंय सगळं, तुला करायची नाही। पुरण नाही सही फैसले आपने। मैं आज बहुत जोकर लग रही यार, मैं कसम से पैंट चेंज। उसको देना है ये इंस्पेक्शन करने के लिए आए मैडम आ गए। बस हो गया सब, मैंने बनाई हुआ खाने के लिए। जरा तारीफ करना ऑलराउंडर होते ना, एवढ्या एवढ्या जर स्पीडने पोळ्या झाल्या असत्या तर तुम्हीच विचार करा की केव्हा झाल्या असत्या। आय गा वो भी दिन जिस दिन वो बनाए माडायला घ्यायचंय ना। बनी मेरी सॉफ? अरे एक नंबर। अच्छी बोलेगे ये सतीश नहीं खाता पुरणपोली? अभी मेरा आदमी आयला है, अभी मुझे कोई नहीं मार सकता। मैं मार सकती हूँ, मैं तेरे आदमी से डरती नहीं है। इधर देखो ना, ये नीलिमा, नीलिमा इधर देखो, इनको किस नाम से बोलूं? शोभा ताई। फिर अभी बड़े हैं मुझसे, बड़े ये सब है। बड़े बेटा तो शोभा करके बोले, कभी मौसी तुझे बुलाया सुना रहे मैंने। शोभा मौसी नहीं, शोभा मैं आके फोन देगा तो यहाँ पर ये मेरी प्लेट निकाले है, तो अब मैं भी खाने बैठ रही हूँ। और हम सब यहाँ पर बहुत इंजॉय किए, बहुत सारी बातें किए। तो फिर जैसा ही मेरा खाना हो गया उसके बाद मैं फिर अधियन की स्कूल में चले गई। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए अधियन की स्कूल में। और क्या हुआ ना कि हम लोग निकले तो बारिश नहीं था, इसलिए हम लोग स्कूटी से निकले और बाद में अचानक से बारिश स्टार्ट हो गया, तो जिसकी वजह से आप देख सकते हैं ये और मैं हम दोनों काफ़ी भीग गए थे। लेकिन हम रुक भी नहीं सकते थे क्योंकि अधियन के स्कूल छूटने का टाइम हो गया था। और साथ में फिर हम लोग यहाँ पर आके जो फीस है वो भी पे कर लिए। Say loudly.
गया, ये उल्टा लिखेला है, ये सीधा लिखो, उल्टा लिखे बता, इधर लाके बता, देखो उसने ये कैसा उल्टा लिखेला बता, इधर दिखा दिखे 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 जल्दी, ये देखो ये तारे जमीन कर इसका ई देखो, ई इसका उल्टा बस सीधा करो उसको, ई सीधा लिखो, कैसा लिखते ई पता नहीं है, ई नहीं पता तेरे को, अधियान ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, यस ई फॉर एलिफेंट, तू क्या लिख रहा था फिर, त्री लिख रहा था क्या, ये लिख रहे तो त्री लिख रहा तू, हंसू मत अभी, जल्दी जल्दी करो, बड़ा ई कैपिटल ई, जल्दी जल्दी लिखो, ई एल, ये भी देखो ना खुल नहीं रहा है, एक तो लेट हो गया मेरा, ये जल्दी से हो तो जल्दी जल्दी फिनिश करो, मुझे फिर खाना भी बनाने का है ना, और आगे आगे क्या है, वही तो है उतना से ना, फिर से बोलो, उठो बच्चो, बहुत अच्छी पोयम बोला अंतने, देखो ना वो भाजी तोड़ रही, आधी इतनी सी निकली और बाकी सब में देखो आधे से ज्यादा एक कचरा डाला हुआ, 30 रुपए की एक जोड़ी लेकर आई और आधा कचरा, सही बात है, इससे हम अमीर हो रहे, अमीर हो रहे, लूट रहे, देखो ना कितना लूट रहे, देखो आधे से ज्यादा, देखो समझ में भी नहीं आई वो अंदर से ऐसा है, दुनिया ही लूटनी बैठी है, हाँ ना, आदियान स्टडी करो, ध्यान से जल्दी करो, घूमने जाने, कहाँ जाने गए आदियान घूमने, दुबई दुबई जाने गए, कब जाने गए, परसों, परसों कहाँ से जाएगा दुबई, ट्रेन से जाएंगे ना, अच्छा दुबई स्लीपिंग कोच वाली बस से जाएंगे, सुन लो सब, मैं एरोप्लेन से जा रहा, मैं हम लोग तो एरोप्लेन से जाने वाले, आद्यान को कहाँ जाने का है, दुबई, आद्यान सीधा संगम नेर जाएगा, सिर्फ दुबई नहीं जाएगा उसकी नानी के पास जाएंगे ना, रहते हैं हम लोग कब जाने वाले, आद्यान सीधा पहनो, ये लग जाएगा, एक तो पहले आँख में से इन्फेक्शन हो गया है, आँख में से पानी आ रहा है, डालो जल्दी से, और लिखो, डॉक्टर के पास जाएंगे अपन, अभी नानी के घर पे जाने के करके मैंने ला दी, एक तो पहले मुझे चुनने का घंटा ऊपर से ही ऐसी, आदियान को स्टडी करते देखते मेरे को तो आफरीन दीदी की याद आ रही है उसकी, क्यों आफरीन दीदी, वो भी बोलने की क्या चाचू मेरे को स्टडी करने अच्छा नहीं लगता, सेम आदियान दिख रहा मेरे को, सब सुन रहा तू, क्या सुन रहा, क्या बोलूं, सेम कॉपी पेस्ट दिख रही है आदियान तो, मैंने बोली तुमको आफरीन की और मुझे आमिना की, सेम है वो, आमिना की और उसकी अम्मो दीदी है ना रे, बट अभी अम्मो दीदी सब में टॉप कर रही है आजकल, पता है कि तेरे को, नहीं, सब चीज में अम्मो दीदी फर्स्ट आ रही है, मैं? अरे अचानक से देखो ना उसने किक मार दी एकदम, सबने फर्स्ट आई, गियर चेंज की उसने, गियर चेंज कर दी, अरे उसको पढ़ने का कंटा था, उसको रटाना पड़ता था, और अभी देखो खुद से कर रही है, ऐसा करेगा ना अम्मो दीदी जैसा, सबने फर्स्ट आएगा, अम्मो दीदी होशियार हो गई उसके माँ के जैसी अभी सुने ना वो वीडियो देखी ना कभी तो फिर देख लो, होशियार हो गई अभी, बोल आएगा उसका, चलो हो गया अभी मेरा भी, हाँ? जल्दी कर, मैं जब तक खाना बना रही हूँ तब तक कर, चल अरे काम करो बच्चों, पढ़ाई करो,
लोग सरप्राइज प्लान कर रहे हैं ना। किसको बर्थडे आ रहा है? अरे मैं थोड़ी बोल रही हूँ क्या कर रहे, सिर्फ ये बोल रही हूँ। अरे मैं बोल रही नहीं क्या कर रहे, सिर्फ बोल रही हूँ कि सरप्राइज डे क्या कर रहे वो नहीं बोल रही। अरे नहीं बोल रही मैं सिर्फ बोल रही कि हम सरप्राइज देने वाले, क्या देने वाले वो थोड़ी बोली मैंने, है ना। अरे कब देने वाले आदियन? अब्बू का बर्थडे कब आ रहा है? नेक्स्ट वीक। सरप्राइज देंगे ना अब्बू को? हाँ। क्या देंगे वो हम नहीं बताएंगे, है ना। अरे बोल अब्बू को मैं सरप्राइज दे रहा हूँ। अरे तू नहीं बोल रही ना मैं क्या ले रही गिफ्ट, अपन क्या करने वाले, मैं कुछ नहीं बोल रही। अरे नहीं बोल रही मैं। अच्छा वो भी नहीं बोलना था, सॉरी गलती है। चलो फिर बाय बाय। रुको दो तो फिर फ्रेंड्स हम लोग अभी थोड़ा सा प्लान कर रहे थे कि अब्बू का है ना देन, अब्बू का बर्थडे है नेक्स्ट वीक में, तो मेरे गलती से मुंह से निकल गया कि हम लोग उनके लिए सरप्राइज दे रहे थे। तो कोई बात नहीं, मैं अभी वो नहीं बोलूंगी अध्ययन, सॉरी है उसके लिए, सॉरी नहीं बोलूंगी मैं। और मैंने आपसे कहा था ना आज अध्ययन के स्कूल में हम लोग गए थे तो इतनी बारिश स्टार्ट हो गई थी, जैसे ही मतलब मैं स्कूटी पे गई, पहले सोची थी कि ऑटो से जाएंगे लेकिन बारिश नहीं था तो फिर मैं स्कूटी से चले गई, लेकिन इतनी तेज बारिश स्टार्ट हो गई कि मैं पूरी भीग गई। फिर थोड़ा टाइम मिला वहां पर स्कूल छूटने का, मतलब आधा घंटा उन लोग ने हम लोग को वेट कराया, तो जब तक थोड़ा सा आराम हुआ फिर सब बातचीत किए। फाइनल मैंने उसको रामलीला में हमने पार्टिसिपेट कराया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो डेली नहीं बुलाएंगे, वो खुद से उसका मतलब जो भी रहेगा वो अलग बोले है कि वो खुद ही रिहर्सल कराएंगे, पेरेंट्स को कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ लास्ट डे में जिस दिन मतलब रामलीला होंगी तो उसका कॉस्ट्यूम मेकअप वगैरह करवा कर भेजना होगा। तो हो सकता है अगर वो लोग हम लोग को बुलाए देखने के लिए तो फिर जब मैं आपको सब बताऊंगी, मे बी नहीं तो वो बोले कि हम लोग स्कूल से वीडियोज दे देंगे, तो देखते हैं आगे कैसा होता है क्या। तो आने के बाद इतनी मैं थक गई थी और आज का क्लाइमेट भी इतना सही था, ऐसा लग रहा था कि कुछ हिल स्टेशन पे हम लोग यहाँ पर है आज, इतना मतलब भंसोली में क्लाइमेट अच्छा, एकदम ठंडी ठंडी हवा, बारिश भी शाम के बाद नहीं थी लेकिन बहुत सही क्लाइमेट था, पर ठंडी भी लग रही थी। तो मैं जो आकर जो मैं सोई तो मैं डायरेक्ट 7 बजे उठी, फिर उसके बाद में मैं अभी थोड़ा सा घर का जो भी सुबह से रहा काम था वो की, अभी उसके बाद अभी इनकी थोड़ी सी स्टडी ली और भाजी वगैरह भी अभी साफ की, अभी मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो फिर खाना बनाने के बाद में फिर थोड़ा सा और बहुत सारे काम है तो वो निपटाऊंगी, तो मैं जो मेरा ब्लॉग है वो मैं आज यही खत्म करती हूँ। इंशाल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होंगी, तो आप अपनी दुआ में मुझे जरूर याद कीजिए और हमारे चैनल को क्या किए, प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बोल जल्दी से चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और अध्ययन के भी देखो जरा आंखों में थोड़ा सा इन्फेक्शन हुआ है ना, तो उसको भी डॉक्टर के पास अभी देख रहे हैं, सैटरडे के दिन लिख जाएंगे क्योंकि कल भी टाइम नहीं है, है ना। हाँ। कल टाइम नहीं, ऐसा नहीं बोलना है कल टाइम नहीं है, कल उसको स्कूल है और उसको टीचर बोली है कि एक भी दिन मतलब छुट्टी नहीं करना है, तो इसलिए सोची सैटरडे के दिन लेके जाऊंगी। तो चलो फिर अभी के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।